सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। लॉकडाउन की वजह से शायद बहुत सारी फैमिलीज की अर्निंग रुक चुकी है, तो उस वजह से बहुत सारी लड़कियाँ एक पैट तक अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो एवरटीन के साथ मिलकर मैं ऐसे ज़रूरतमंद लड़कियों की हेल्प कर रही हूँ फ्री सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचाने में, क्योंकि एवरटीन ऐसे 1 मिलियन लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो। आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन ज़रूरतमंद लड़कियों तक ये मैसेज पहुँच सके। तो फ्री सैनिटरी नैपकिन्स लेने के लिए उन्हें जाना होगा एक वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हो सकता है कि उनको ये प्रोसेस फॉलो करने में दिक्कत आए, तो अगर आप चाहो तो आप भी उनके बिहाफ में सैनिटरी नैपकिन्स की अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेम वेबसाइट पे, जिसका नाम है sheneedspad.com। वहाँ पे जाके आपको फिलअप करनी होगी कुछ डिटेल्स, लाइक आपका नाम, आपका फोन नंबर एंड आपकी ईमेल एड्रेस, एंड आप जिनको पैड भेजना चाहते हो उनका नाम, उनका एड्रेस एंड उनका फोन नंबर। बस इतना सा काम आपको करना है एंड आपके बिहाफ पे एवरटीन के तरफ से उनके पास फ्री सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचा दिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसी लड़की ये वीडियो देख रही है जो पैड अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अगर आप चाहो तो आप मुझे मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टा पे अपना एड्रेस एंड फोन नंबर मेल कर सकते हो। मैं खुद आपके बिहाफ पे फ्री सैनिटरी नैपकिन्स की रिक्वेस्ट कर दूंगी। और प्लीज आप पैड्स की रिक्वेस्ट तब कीजिए अगर आप सच में अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, तो जो जरूरतमंद लड़कियां हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या मैं आज बहुत अजीबोगरीब दिख रही हूँ? तो स्नेल कोई खा सकता है? प्लस सच में कितनी, क्योंकि रात के 3 बजे ना मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉकरोच रहते हैं मेरे किचन में। देख, लज्जा हवा दरकार, तो लज्जा हवा दरकार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक 24 आवर्स फूड चैलेंज वीडियो, एंड मैं 24 आवर्स के लिए बस पास्ता ही खाने वाली हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड आई नो कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को पास्ता खाना बहुत पसंद है। एंड गाइस, इस बार ना, मतलब इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप का पास्ता रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ, जो कि मैं पहली बार ट्राई करूँगी। एंड गाइस, क्या मैं आज बहुत अजीबोगरीब दिख रही हूँ? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। अगर मैं अजीबोगरीब दिख रही हूँ तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं दिख रही हूँ, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, गुड़िया लग रही हूँ, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी, लेकिन अभी ना, मतलब जो टाइम है वो ब्रेकफास्ट का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 12। ऐसी बात है कि मेरा जो सुबह होता है ना, वो 10 बजे स्टार्ट होती है। तो 10 बजे मैं उठती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, फिर आके ब्रेकफास्ट करती हूँ। मतलब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही है। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से शायद ऐसा हो गया है, लेकिन पहले मैं बहुत जल्दी उठा करती थी एक टाइम पे। ओके, तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार मैं ट्राई करूंगी व्हाइट सॉस पास्ता। मैंने जिंदगी में पहली बार व्हाइट सॉस पास्ता बनाई है, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से कि मैंने, मतलब ऐसा कुछ नए तरीके का रेसिपी ट्राई किया है, कि क्योंकि इससे पहले भी मैंने जितने भी रेसिपीज ट्राई किया है, वो सारे रेसिपीज मेरे घर में भी बनता है। ये वाला जो रेसिपी है, ये मेरे घर में पहली बार बना है, एंड इसको मैंने
खुद बनाई है, ओके मैंने खुद बनाई है, तो इसलिए मैं बहुत ही मतलब प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे। ओह माय गॉड। और पता है गाइस, अभी तक मुझे नहीं पता कि ये कैसा बना है, मतलब अच्छा बना है कि बुरा बना है। अगर बुरा बना है तो भी मुझे खाना है, और अगर अच्छा बना है तो भी मुझे खाना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। ओके तो ये है फर्स्ट बाइट कैमरा के सामने। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है, आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना घर पे। हाँ मैंने ना इसमें मिर्ची ज्यादा डाल दिया था, पानी मतलब मैंने उतना भी अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, एंड पता नहीं क्यों मैंने इसमें तीखा ज्यादा डाल दिया, शायद इसी की कमी थी। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, एंड ये बहुत ही मतलब तीखे वाला ब्रेकफास्ट था। वैसे मुझे तीखा खाना एकदम पसंद नहीं है, मैंने बहुत बार शायद कह दिया होगा वीडियो में, और जब भी मैं कोई तीखा चीज कुछ भी खाती हूँ तब मुझे सर्दी लग जाती है, एंड अभी भी ऐसा ही हो रहा है, मेरा नाक बह रहा है थोड़ी बहुत। डरो मत, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। सुबह ना मैंने बहुत ज्यादा तीखा खा लिया था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि लंच का जो पास्ता है उसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया, एंड बहुत ज्यादा सॉस भी ऐड किया है ताकि ये थोड़ी बहुत खट्टा मीठा सा मतलब लगे। तो यहाँ पे मैं अपना लंच लेके बैठ चुकी हूँ, एंड ये है मेरा लंच। तो मैंने यहाँ पे रेड बेल पेपर ऐड किया है, एंड थोड़ी सी गाजर लिया है, एंड पास्ता बहुत डिलीशियस है। जब भी मुझे पास्ता खाने का मन करता है मैं यही वाला रेसिपी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो फर्स्ट बाइट जो है वो आप लोगों के लिए। सच में यार खट्टा मीठा बना है, और बिल्कुल भी तीखा नहीं है, तीखा होगा भी कैसे। वैसे गाइस मैं ना इस लॉकडाउन में पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ, एंड आई कैन फील इट, मैं बिल्कुल फील कर सकती हूँ कि मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कर रही हूँ यार। देखो मैंने अपना ना खुद का बाल खुद ही काट लिया। गाइस आप लोगों को ना एक चीज दिखाना बिल्कुल भूल गई थी, देखो मैंने एक नया पेट लिया है, बस 2 महीने हुआ है मैंने इसको लिया है। ये जो बॉल आप देख रहे हो ना, ये मम्मी ने आज ही लाके दिया है इसको, एंड इसकी हालत देखो, देख देख लज्जा हवा दरकार, तो लज्जा हवा दरकार। इसको ना हमेशा बस खेलने की परी रहती है, देखो क्या कर रहा है। हाय वैसे पास्ता तो अभी खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे ना ये सब्जी खाना बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, बहुत यम्मी लगता है मुझे, थोड़ी सी और खा लेती हूँ। अभी डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा रेसिपी नहीं है जिसको मैं ट्राई करूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, कुछ देर पहले मैंने YouTube पे सर्च किया कि पास्ता मतलब मैक्रोनी रेसिपी, तो वहां पे ना मैंने एक अजीब तरीके का रेसिपी देखा जिसमें पास्ता को मतलब स्नेल के साथ मैरिनेट करके रखा गया था, एंड उसको अच्छे से पका के फिर कोई खा रहा था। मैंने सोचा कि कैसे यार कैसे खा लेते,
तो स्नेल कोई खा सकता है? सच में कितनी सोच भी नहीं सकती यार, मैं तो ये वाला रेसिपी बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि चलो इस बार जो मैं ट्राई करूंगी वो मैं खुद से मतलब खुद इन्वेंट करूंगी। एंड पता नहीं कि ऐसा वाला रेसिपी होता भी है या नहीं, अगर होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है बस खाने लायक बन जाए ठीक है, क्योंकि मुझे डिनर करना है गाइस, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। अगर मैं सच में डिनर नहीं करूँ ना तो पता है क्या होगा, रात को उठ उठ के चुप चुप के मुझे बिस्किट चुराना पड़ेगा। तो मुझे रात के 3 बजे ना बिल्कुल नहीं उठना है गाइस, क्योंकि रात के 3 बजे ना मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉकरोच रहते हैं मेरे किचन में, तो जो कि मुझे डरा देते हैं, मैं सच में बहुत डरती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मैं कौन सा वाला रेसिपी ट्राई करती हूँ। फाइनली मैंने अपने लिए डिनर रेडी कर लिया है एंड मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि ये कैसा बना है। सो गाइस अभी इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। एंड ये देखने में बहुत ही मतलब डिलीशियस लग रहा है, बट आई डोंट नो कि ये डिलीशियस है कि नहीं, इसको खाने के बाद पता चलेगा ठीक है। मैं खा के देखती हूँ। यार आपको क्या लगता है कि ये कैसा बना है, मतलब मेरा एक्सप्रेशन देख के आपको क्या लग रहा है? यार अच्छा बना है, मैं अच्छी बनाती हूँ खाना। सो गाइज मेरा डिनर भी खत्म हो चुका है एंड ये बहुत ही डिलीशियस बना था गाइज, मतलब पूछो ही मत। मैं कल भी इसको डेफिनेटली ट्राई करूंगी एंड कल भी इसको मैं खाऊंगी। वैसे गाइज मुझे एक बात जाननी है कि ये जो पास्ता और ये जो मैक्रोनी कहते हैं ना, क्या ये दोनों सेम ही है? मुझे जानना है ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि ये दोनों सेम है कि नहीं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना क्योंकि वहां पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सा वाला वीडियो देखना चाहते हो ठीक है गाइस। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।